टॉपिक है भिक्षावृत्ति, बैगर्स की बात करें। सुनिएगा आराम से टॉपिक को दोस्तों, काम का टॉपिक है, पेपर टू में आपको जुड़ेगा टॉपिक जाके। ये बैगर्स का टॉपिक की बात हो रही है, पेपर टू में काम आएगा आपको, सोशल जस्टिस में काम आएगा। क्या हो रहा है बात करते हैं। पहली बात तो राजस्थान सरकार ने स्कीम लॉन्च की है सर, राजस्थान सरकार ने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है भोर योजना, ठीक है। यहाँ में स्कीम का भोर योजना स्कीम का नाम है दोस्तों। यहाँ पर इसमें कर क्या रहे हैं, जो भिक्षावृत्ति यानी भिखारी जो भीख मांग कर अपना काम चलाते हैं उन्हें दी जाएगी वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। जी हाँ, लाइफ विद डिग्निटी, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उनको दी जाएगी ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पर। और ट्रेनिंग कौन देगा राजस्थान में, राजस्थान का स्किल एंड लेवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही RSLDC, तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ट्रेनिंग देगा दोस्तों यहाँ पर बैगर्स को, भिक्षावृत्ति मांगने वालों को, और उनको आवश्यक जीवन की कलाएं सिखाएगा, लाइफ स्किल सिखाएगा, जिससे वो बेहतर जीवन यापन कर सकें, वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यहाँ कोई समस्या नहीं है सर, वन लाइनर न्यूज़ है, मुझे बात करनी कुछ बड़े आस्पेक्ट की आपके साथ, ठीक है। बहुत दिनों बाद वो टॉपिक आया है जिसमें हम लोग इस सामाजिक क्षेत्र की बात कर सकें। मोर देन 5 मिलियन हमारे पास भिखारी हैं हमारे देश के अंदर, तो 50 लाख से ज़्यादा भिखारी हमारे देश में अंदर हैं दोस्तों, तो बात करना ज़रूरी है कि क्या विधिक प्रावधान है, क्या लीगल आस्पेक्ट है हमारे पास इनके, समझिएगा दोस्तों। पहली बात तो बहुत सारे कानून हैं हमारे पास सर, हर राज्य ने अपना कानून तैयार कर रखा है रिगार्डिंग भिक्षावृत्ति को बैन करने के लिए। जी हाँ, भिक्षावृत्ति या भीख को, बैगिंग को के अगेंस्ट कई राज्यों ने कानून पास कर रखे हैं, ठीक है सर। देख रहे हैं कई सारे कानून हैं हमारे पास, आज़ादी के पहले कानून हमारे पास हैं, ठीक है सर। बताने वालों पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ इस स्लाइड्स पर आपके साथ। भारत सरकार ने एक बिल रखा था 2014 में, हालांकि पास नहीं हुआ है, तो वी कांट से कि सही है क्या नहीं, लेकिन एक बिल रखा था केंद्र सरकार ने पास करने के लिए, पूरी इंडिया को कवर करने के लिए, जहां पर भिखारी जो हैं भिक्षावृत्ति मांगते हैं उनको एम्पावर करना, उनको स्किलफुल करना, उनका रिहैब, उनका पुनर्वास करना, ये बिल लाया गया था, ठीक है। मेरे काम का क्या दोस्त समझिएगा, मेरे काम का ये है, आज से कुछ साल पहले, समझिए पूरा केस समझाऊंगा दोस्तों, एक रुक के आपको मैं, आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में कहा था कि भिक्षावृत्ति पर जो ये सरकारें कानून लेकर आती हैं, जो जम्मू कश्मीर ऐसी, अब देखना एक्ट है ना, ऐसी जम्मू कश्मीर एक्ट था एक, दिल्ली एक्ट था एक, सरकारों ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा जनाब ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो आपके एक्ट हैं जहाँ आप कह रहे हैं कि भीख मांगना एक प्रतिबंधित कार्य है, ये एक प्रकार से प्रोबिशन कर दिया आपने भीख मांगने को, ये गलत है, समझिएगा दोस्तों। क्या कहा था कोर्ट ने, पूरा मामला समझिएगा, 10 मिनट दीजिए, पूरा मामला समझ आएगा आपको यहाँ पर। पहली बात तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों में, क्या कानून देश के अंदर भिखारियों को लेकर हमारे यहाँ पर, देर इज़ नो फेडरल लॉ इन बैगिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देश में कोई केंद्रीय कानून नहीं है दोस्तों, कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ये, स्टेट सब्जेक्ट दिया गया है तो राज्य ने अपने कानून तैयार किए। हाँ, 20 राज्यों ने, लगभग 20 राज्यों ने सर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 को आधार बनाया, स्वीकार किया, यानी जो एक एक्ट है हमारे देश में दोस्तों 1959 का, बॉम्बे प्रोविडेंस में चलता था, बॉम्बे प्रांत में चलता था एक्ट, ये नाम क्या है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, कब का है सर, आज से 60 साल पहले का एक्ट है सर ये, 65 साल पहले का। इसमें कहा गया था यदि भीख मांगते हुए पाए जाते हैं तो आपको डिटेन किया जाएगा और 3 से 10 साल तक आपको रहना पड़ेगा बैगर्स होम, यानी कि एक ऐसे आवास स्थल बनाएगी सरकार जब भिखारी को रखा जाता है, जेल नहीं, 3 से 10 साल तक आपको रहना पड़ेगा यहाँ पर इन बैगर्स होम के, डिटेन कर दिया जाएगा आपको, आपको नज़रबंद किया जाएगा 3 से 10 साल के लिए, सब भीख मांगे ना जाएं दोबारा। तो ये कानून है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर आप सड़क पर भीख नहीं मांग सकते। इसी कानून को आधा बनाकर कुछ राज्यों थोड़े और कठोर कानून ना दिए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन्होंने क्या किया, भैया आप फ्री भी, अगर आपके पास कोई काम नहीं है और आप फ्री में घूम रहे हैं कहीं पर, बस जगह पर जा रहे हैं भीख मांग मांगते हुए घूम रहे हैं कहीं कहीं पर, आप एक क्रिमिनल हैं, आप एक अनलॉफुल एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ, यानी भिक्षा मांगने के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये आप सुनते हैं, सुनिएगा आराम से, जम्मू कश्मीर में क्या नियम आया, जब राज्य था जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में क्या नियम लेकर आई सरकार, नियम ये लेकर आई, इसमें कहा गया ऑथराइज फोर्स, क्या पढ़ने में आ रहा है दोस्तों, नहीं पढ़ने वाला सुन लीजिए, केवल सुन लीजिए, उम्मीद करो पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, आप पढ़ पाएंगे। अंडर जे के ऑथराइज फोर्स मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बैगर्स टेकन इन पुलिस कस्टडी, शेविंग ऑफ हेयर एंड रिमूवल ऑफ क्लोथिंग इन ऑर्डर टू अंडरटेक द फ्रेज क्लिनजिंग ऑफ द बॉडी, यानी भिखारी को पकड़िए, उसकी मेडिकल जाँच कराइए, उसकी शेव कर दीजिए बालों की, इससे वो एक सामान्य व्यक्ति दिखे, और उसको निहाइए आराम से, उसके रिमूवल ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े उतार के निहाइए उसको पूरा आराम से, जिससे वो साफ हो सके,
उसकी बॉडी क्लिनजिंग कीजिए, उसकी बॉडी को साफ कीजिए और डिटेंशन में रख दीजिए, पकड़ो, निलाओ, बाल काटो और रख दो डिटेंशन सेंटर में उसको। तो ये एक नियम था दोस्तों। और इसमें सरकार ने क्या कहा था जम्मू कश्मीर ने कि वो बैगिंग को क्रिमिनलाइज कर रही है और जो बैगर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, ये इन्हें कन्वर्ट कर रही है गुड सिटीजन में। ये जम्मू कश्मीर का नियम आया, मामला कोर्ट पहुंचा जम्मू कश्मीर की, क्या ये मानवाधिकार उल्लंघन है। तो कोर्ट ने क्या कहा सुन लिया दोस्तों, कोर्ट ने क्या कहा सुनिएगा, कोर्ट ने तीन बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये बहुत काम आएंगी समझने के लिए आपको दोस्तों। कोर्ट ने क्या कहा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जी हाँ, कि जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश है कि भिखारी कहीं भी नहीं जा सकते, ये अपराध पैदा करते हैं, ये उल्लंघन हो रहा है उनके कहीं भी घूमने के अधिकार का। जी हाँ, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम मूवमेंट है आपका, और सरकार कह रही है नहीं, कहीं भी वंडरिंग अबाउट, कहीं भी घूमते रहते हो आप, ये क्रिमिनलाइज इफेक्ट है, ये अपराध है। तो कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, वो गरीब हैं, आप इन्हें घूमने से नहीं रोक सकते हैं, आप अपराध बना सकते हैं लेकिन गरीबों को आप, भिखारियों को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है सर, इनके घूमने के अधिकार का, इनके मूवमेंट के अधिकार का वायलेशन होता है। ठीक है सर, दूसरा सुनिएगा, आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, बड़ा ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। कैसे है सर ये, कोर्ट ने ये कहा कि एक व्यक्ति जब भीख मांगता है तो ये दुनिया को बता रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस कंडीशन से गुजर रहा है, यानी उसका एक्सप्रेशन है उसकी अपनी स्थिति को बयां करने का, कि अब जीवन में सब खत्म हो गया है, ना कोई उसके पास संसाधन है, ना कुछ जीवन जीने का साधन है, तब तो भीख मांग रहा है। यानी भीख मांगना केवल एक रोजगार नहीं है, भीख मांगना दूसरों को बताना कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, कि भिक्षावृत्ति के लिए आ गए हैं। तो ऐसे में जब भीख मांगने से मना करते हैं किसी को, तो आप उसके राइट टू एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो एज बैगिंग वॉज अ पीसफुल मैथड, कोई शांतिपूर्ण तरीके से मांगता है भीख यहाँ पर, और वो कम्युनिकेट करता है अपनी सिचुएशन को दूसरे व्यक्ति को और उसे सहायता प्राप्त करना चाहता है। अगर आप उसको रोकते हैं भीख मांगने से, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होगा। बहुत बड़े जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, सही कहा हाईकोर्ट ने। चलिए तीसरी बात सर, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है ये। कैसे सर ये, कि कहीं ना कहीं हम बात करें आपके साथ, अगर समझ पाए दोस्तों उसको, हम लोग अगर देख पाए, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो उसके पास चॉइसलेसनेस है, वो विकल्प ही नहीं है रोजगार कमाने का, उसके पास काम ही नहीं है, कोई चॉइसलेस, उसका विकल्प का अभाव हो गया है, तो भीख मांग रहा है। तो ऐसे में आप यदि आप भीख मांगना बंद करते हैं, तो आप उसके जीवन का अधिकार को छीन रहे हैं। जी हाँ, अधिकार, जीवन का अधिकार जो है उसे आप छीन रहे हैं। तो बहुत बड़े अधिकारों की बात की कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने, और लगभग ऐसा ही फैसला दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें ना, दोबारा सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलखन वर्सेस स्टेट केस में, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए यहाँ पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा इस केस में, दिल्ली सरकार ने बनाया था ऐसा आदेश, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था सुन लीजिए यहाँ पर, दिल्ली हाईकोर्ट, गवर्नमेंट हैज़ अ मैंडेट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, सरकार का ये काम है कि वो हर किसी को सामाजिक सुरक्षा, भोजन पानी मुहैया कराए। अगर कोई भीख मांगता हुआ पाया जाता है, इसका ये एविडेंस अपने आप, इसका मतलब है कि सरकार अपना काम अच्छा नहीं कर रही है। तो स्टेट अपना अच्छा काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को जेल में डाल दे या वो भीख मांगने को प्रतिबंधित कर दे। आप अच्छा काम नहीं कर रहे तब लोग भीख मांग रहे हैं। दूसरा, इट डिक्रिमिनाइजिंग बैगरी एज अ स्ट्राइकिंग डाउन, उन्होंने कहा भैया भीख मांगना अपराध नहीं होगा। तो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इस बात को, भीख मांगना अपराध नहीं होगा, यह संवैधानिक कानून है सरकार का, भीख मांगना अपराध घोषित कर रहे हैं, असंवैधानिक है ये और ये स्वीकार नहीं होगा दिल्ली के अंदर। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात यही थी अपने आप में। तो इस कानून को रोका गया यहाँ पर लागू करने से। कुल मिलाकर कोर्ट का मानना था कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट का मानना था कि सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार हमारी और लोग भीख मांग रहे हैं। ठीक बात है सर, यहाँ तक बात समझ में आती है हमको। अब आइए तो थोड़ा सा देख ले दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं है सर, इसको कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कुछ कानून हैं, या मुझे कहना चाहिए ये बहुत सारे कानून बनाए राज्यों ने। तो यहाँ पर हम देखें तो स्कीम आई है भोर योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना भिखारियों का। क्योंकि आप याद करें दोस्तों, मैं आपको एक कानून का नाम दिखा रहा था पीछे, 2014 कानून है हमारे यहाँ पर, उसमें कहा गया था, 14 कानून में कहा गया था कि भैया ठीक है, भीख मांग रहा है तो पकड़ लोगे आप, जो भीख मंगवा रहा है, कोई उसको पुश कर रहा है भीख मांगने की, उसको जेल में डाल दोगे, 3 साल की सजा दे दोगे उसको। लेकिन इनमें एक बात कही गई, बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप जो भीख मांग रहे हैं उनको आप पकड़ोगे, उनको आप लेकर आओगे कहाँ पर, बैगरी होम में लेकर आओगे उनको, एक भिखारी आवास में लेकर आओगे उनको, और उनको आप क्या दोगे, वोकेशनल सेंटर दोगे उनको आप, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग दोगे उनको यहाँ पर, आप कुल मिलाकर उनकी मदद करोगे आप, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वेलफेयर फंड बनाओगे उनके लिए यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट करोगे उनका, ट्रेनिंग दोगे उनको यहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी दोगे उनको, एजुकेशन दोगे उनको, ये काम करने पड़ेंगे। तो भोर योजना बेसिकली
इसी प्रावधान से निकली है। अलग बात है पास नहीं हुआ कानून ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि भिखारियों को दी जाए यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग। दोस्तों ठीक है, क्या मेरी बात पहुँच गई है आप तक? चलिए रोकते हैं इसको।